सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme Narzo 60 Pro 5G में अपनी फोन की लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा, ताकि आने वाली इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सेटिंग में जाना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज एंड रीजन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अ लैंग्वेज का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपको अपनी फोन में लोकल लैंग्वेज या फिर कोई और कंट्री की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है तो फ्रेंड्स यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने फोन में हिंदी लैंग्वेज को सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी फोन की लैंग्वेज वो हिंदी में हो गई है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप Realme Narzo 60 Pro 5G में अपनी फोन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हिडन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।